भव्य 9 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव प्रतिदिन कन्या पाद पूजन एवं कन्या भोज स्थान हरिहरानंद आश्रम शिव दुर्गा मंदिर वृंदावन कॉलोनी इंदौर आयोजक निखिल सोनी नगर मंत्री भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान और मतगणना संबंधित कार्य नेहरू स्टेडियम में होना है। इसके चलते स्टेडियम में सभी तरह के खेलों और प्रैक्टिस पर रोक लगाते हुए स्टेडियम को आज से बंद कर दिया गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, जिसके लिए चुनाव संबंधित तमाम सामग्रियों का वितरण नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। तो वहीं स्टेडियम में सभी तरह की व्यवस्थाओं को समय रहते हुए पूरा कर लिया जाए, इसीलिए आज से स्टेडियम को बंद किया गया है। सबको विदित है कि जो चुनाव से संबंधित सामग्री वितरण है, साथ में मतगणना है, ये सारे कार्य का संपादन नेहरू स्टेडियम के में होगा और नेहरू स्टेडियम नगर निगम की बिल्डिंग है, उसके पूरे रखरखाव को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर पूरा जो है रिवर्क करवाया गया है। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और सुगमता के साथ में हमारे मतदान कर्मी जो हैं उनको मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन में तथा मटेरियल वापसी में तथा मतगणना में कोई दिक्कत ना जाए, उसकी पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई गई हैं। खेल गतिविधियों को भी खेल गतिविधियों को हम लोग ने कोशिश किया कि हम नहीं बंद करें, पर अनफॉर्चुनेटली है ये कि हमारा जो ग्राउंड है उसमें हमें मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी करवानी है और उसके लिए वहाँ पर जो टेंट इत्यादि है उसका काम जो कंसर्न एजेंसी उनके माध्यम से शुरू करना है, मटेरियल वगैरह वहाँ पे डालना पड़ रहा है और उसके कारण खेल में दिक्कत जाएगी, इसलिए उसे बंद करना पड़ा है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए आपने स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए हम लोगों ने PWD को लिखा था। PWD के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन के लिए उपयुक्त है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने फिर उसमें काम कंटिन्यू करवा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप। टाइम न्यूज समूह की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।